हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यस बैंक की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। कैसे 80,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाला बैंक एक साल में 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल पर आ गया। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बैटल बिटवीन कपूर एंड कपूर, एंड सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे क्या रीजन है जिसकी वजह से यस बैंक की 90% मार्केट कैप खत्म हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट की। बैटल बिटवीन कपूर एंड कपूर। राणा कपूर एंड अशोक कपूर दो दोस्तों ने मिलकर बैंक स्टार्ट किया जिसका नाम यस बैंक रखा। 2004 में यस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस मिला और 2005 में यस बैंक का आईपीओ मार्केट में आया। अशोक कपूर जो बैंक के को फाउंडर थे उन्हें बैंक का चेयरमैन बनाया गया और राणा कपूर MD और CEO बने यस बैंक के। उसके बाद राणा कपूर की शादी बिंदु से हुई। बिंदु अशोक कपूर की वाइफ मधु कपूर की सिस्टर थी, जिससे राणा कपूर और अशोक कपूर की फ्रेंडशिप फैमिली रिलेशन में बदल गई। इसके बाद 26/11 के मुंबई टेररिस्ट अटैक में अशोक कपूर जी की डेथ हो गई, जिसके बाद मधु कपूर और राणा कपूर के बीच में यस बैंक को लेकर बैटल स्टार्ट हो गई। 2009 में मधु कपूर ने अपनी बेटी शगुन का नाम रिकमेंड किया यस बैंक बोर्ड मेंबर के लिए, जो RBI ने रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि शगुन अभी बहुत यंग है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है और वो प्रॉपरली फिट नहीं होगी बोर्ड मेंबर के लिए। 2011 में फिर से उन्होंने ट्राई किया, इस बार भी उनके हाथ निराशा ही लगी। उसके बाद 2012 में राणा कपूर ने यस बैंक की हिस्ट्री पब्लिश की और उसमें अशोक कपूर जिन्होंने यस बैंक की नींव रखी और को फाउंडर थे यस बैंक के, उनका कोई जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद यस बैंक के लिए 3 डायरेक्टर को नॉमिनेट किया गया, जिसमें से 2 नाम खुद राणा कपूर ने रिकमेंड किए थे, बट डायरेक्टर नॉमिनेशन में मधु कपूर से कोई कंसर्न नहीं किया इसके रिगार्डिंग, और उनको लगा अशोक कपूर की वाइफ होने के नाते उनको ये राइट मिलता है, वो भी लीगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए किसी मेंबर को नॉमिनेट कर सकती है। इस वजह से 6 जून 2013 को फिर से उन्होंने अपनी बेटी शगुन कपूर का नेम नॉमिनेट किया, बट इसके साथ उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील की इसको लेकर। इसके बाद 17 जून 2015 को कोर्ट से फाइनली जजमेंट आया जो कि मधु कपूर के फेवर में गया, जिससे मधु कपूर और शगुन कपूर को यस बैंक बोर्ड में जगह मिली। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि यस बैंक एक प्रोफेशनल बैंक है दोस्तों, ना कि कोई फैमिली बिजनेस। उनके फादर की वजह से उनको बोर्ड का मेंबर बनाया जाए ये बिल्कुल सही नहीं था। ये जजमेंट RBI रूल्स के भी अगेंस्ट था, क्योंकि RBI की गाइडलाइन भी यही कहती है कि किसी के फैमिली मेंबर या किसी पार्टनर का कोई क्लोज रिलेटिव होने की वजह से किसी को बोर्ड में जगह नहीं मिल सकती। बट सुप्रीम कोर्ट के न्यू जजमेंट के बाद राणा कपूर और मधु कपूर दोनों को राइट मिला कि मिलकर बोर्ड के लिए मेंबर नॉमिनेट करें। जस्टिस पटेल जिन्होंने ये जजमेंट पास किया उन्होंने कहा राणा कपूर ने जो भी रिकमेंड दिए थे बोर्ड के लिए वो उनकी भी पावर में नहीं थे, इसलिए जो भी बोर्ड मेंबर है उनको इनवैलिड करार दिया जाता है। इस फैमिली बैटल से यस बैंक की परफॉर्मेंस, उनके फंडामेंटल और उनके शेयर प्राइस पर कोई इम्पैक्ट और असर नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या हुआ जो 400 का शेयर 40 का हो गया एक साल में ही और अपनी 90% मार्केट कैपिटल को गवा दिया? इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।